Hi guys, welcome back to the channel, and it's 29th April 2018 and the time is 12:31 PM right now. और आज हम लोग जाने वाले हैं ग्लोबल विपासना पगोडा, मेरे घर से जो कि शायद 20 किलोमीटर है और मुझे लगेगा आधा घंटा एक डेढ़ घंटा तो लग जाएगा क्योंकि मैं आज बस में जाने वाला हूँ और एक्चुअली मैं अकेले जाने जाने वाला हूँ। मेरे साथ सागर भाई जाने वाले थे। अरे रुक ना भाई, हाँ मेरे साथ सागर भाई जाने वाले थे लेकिन उनको कुछ काम हो गया तो गए नहीं। क्या करो इसका, चलो रास्ते में मिलते हैं, ये सबको आप इग्नोर करो। पकड़े जाने के लिए इधर से फेरी मिलेगी और फेरी के लिए वेट कर रहे हैं हम लोग, मतलब मैं इसकी सर लोग। अभी मैं गोरे गांव में पहुंच चुका हूं और ये जितनी भी बराबर दवाई, ये काफी सही जगह है यार, काफी अच्छा दिख रहा है। देखो पगोडा जाना है तो अच्छा, ये एसएलवर्ल्ड का एंट्री, अगर आपको एसएलवर्ल्ड जाना है तो आपको यहाँ से एंट्रेंस करना पड़ेगा। काफी धूप है इधर, आग जल रहे हैं मेरे।
Now it's better. Well, I'm in front of the main entrance of Pagoda. ये actually extremely beautiful है मतलब अब आके एक बार देखो तो सही इधर से मतलब क्या नजारा है यार मतलब ऐसा लग रहा है कि सबके सब सोने में किया गया है वाह जस्ट ब्यूटीफुल अंदर चलते हैं वेल एंट्री करने से पहले सिक्योरिटी चेक होता है और इधर भी वही हाल है कि वीडियो नहीं निकाल सकते फोटोग्राफी कर सकते हो लेट मी ट्राई कैसा हो सकता है ठीक है और ये देखो नजारा यार आई थिंक मुझे ट्राइपॉड निकाल लेना चाहिए क्योंकि वो लोग बोल रहे थे ट्राइपॉड अलाउ नहीं है और मुझे कोई ये लफड़ा नहीं चाहिए तो निकाल लेता हूँ और हाथ में शूट करता हूँ बंदे को पूछा यहाँ का सिक्योरिटी जो था कि ट्राइपॉड यूज़ कर सकता हूँ क्या नहीं उसने बोला हाँ आप कर सकते हो फिर देखते हैं अभी एक्चुअली उसको किसे बताया था या नहीं था मुझे पता नहीं अभी मैं फ़िलहाल यूज़ तो कर रहा हूँ अगर कोई कुछ बोलेगा तो कोई रख लेंगे अंदर और क्या बैग में तो बैग है और ये कुछ है आकाश देवी आकाश देवता और कुछ आकाश के बारे में Vipassana Pagoda is a meditation center जहाँ पे आपको ये सिखाते हैं कि आप कैसे पीस ला सकते हैं अपने अंदर इसलिए एक एक घंटे का कोर्स होता है मतलब अंदर एक घंटे का सेशन चलता है आप जाके देख सकते हो उधर सुन सकते हो और आपको एक बात ध्यान रखना है कि उधर जाने के बाद आप एक घंटे के अंदर में नहीं आ सकते बाहर तो एक घंटे के बाद ही आना है तो अभी गया था मैं कैसे स्वर्ग चला जाऊं मुझे स्वर्ग जाने का एक रास्ता है इस पशु की बलि चढ़ाऊं उस पशु को पशु की बलि चढ़ाऊं इनकी बलि चढ़ाते ही मैं स्वर्ग पर जाता हूं यही अपने आप में थोड़ा पागल हो गया था बहुत बड़ा पागल था उन पशुओं ने क्या किया I like the way this temple has been built because इसके अंदर ना कोई पोल नहीं है मतलब कोई उसको संभालने के लिए कुछ है नहीं जिसे जिसके वो संभाले मतलब वो खड़े रहे पूरा का पूरा एकदम खाली है और वो ईंट से जुड़ के हुआ हुआ है
अब से मिलता हूँ आगे बाहर जाके। पानी का भी सूख गया है। हम लोग जाने के टाइम आगे से गए थे, अभी सब डूबा हुआ था। हाय, अभी टाइम हुआ है 6:20 और मैं पहुंच गया घर पे, क्योंकि छत पे हूँ। काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ घूम के। फिर सुबह 12:30 निकल गया था मैं इधर से, और पहुंचा भी ऑलमोस्ट 6:30। अब जाने आने में मुझे दो चार घंटा लग गया, क्योंकि बस में ही 1 घंटे से ज़्यादा लग गया था मुझे। और अगर आपको एक्चुअली आप जाओ उधर घूमो, और आपको जाना है तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको आप अंधेरी से जाना चाहते हो तो आप बोरीवली स्टेशन पे जाओ पहले, फिर उधर से लोकल बस पकड़ लो या फिर रिक्शा करो, आपकी मर्जी। और जो उसका फेरी जहाँ पर मिलती है आपको उधर जाना है, उसका जगह का नाम शायद अब रिक्शा वालों को बोलना है कि गोराई जाने के लिए जो फेरी जहाँ पर मिलती है उधर जाना है मेरे को। एक्चुअली उधर मुझे उसका नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है अभी। और आप उधर से सीधा फेरी मिलेगी आपको, आप उधर से 50 rupees का पड़ता है टिकट आती है, 50 rupees का आती है टिकट, तो आप उधर से रिटर्न टिकट 50 rupees की आती है, तो आप जाके आ सकते हो उधर से। अगर आपको मड आइलैंड से जाना है तो आपको बस मिल जाएगी मड जटी से 269 नंबर, वो सीधा जाके गोराई डिपो में रुकेगी। आप उधर से उतरना, और या तो आप पैदल जा सकते हो, बस 5 मिनट का रास्ता है, और आप नहीं तो रिक्शा कर सकते हो, आपकी मर्जी। फिर उधर से वही सेम टिकट का प्राइस है, और जाओ एक बार घूम के आओ। काफ़ी पीसफुल जगह है और काफ़ी अट्रैक्टिव भी है, और मुझे तो काफ़ी मज़ा आया, मैं जाके आया है अभी। एक्चुअली मैं लास्ट हफ्ते जाने वाला, लेकिन लास्ट हफ्ते आपको इसे बताया था कि सो गया तो जा नहीं पाया, लेकिन इस हफ्ते फाइनल जाके आ गया, अकेले गया था लेकिन आ गया। चलो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा, और सजेशन भी दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। या सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे एक सर्कल आएगा मेरे फेस, उसको क्लिक कर दो, सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए एकदम फ्री है तो कर दो। और मुझे काफ़ी भूख लगी है, तो मैं जा रहा हूँ ना, मैं वड़ा पाव लेके आया हूँ, खाना है तो आ जाओ, खाते मिल के। फिर आप आते आते जब तक आओगे मेरा वड़ा पाव खत्म हो जाएगा। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके।